हे कपीसितुः लोक उजागर, बजरंगबली, हमें शक्ति दीजिए ताकि हम 24 से अपना पूरा पैसा वसूल कर सकें और अपनी माँ का पूरा कर्ज उतार पाए। और हम पे ये कृपा कीजिए, जब हम 24 पे हाथ उठाएं तो हमारा कोई भी इमोशन बीच में ना आए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजा को जब भी भारी पड़ा है उसका खुद का इमोशन ही भारी पड़ा है। इसलिए नो इमोशन, ओनली जस्टिस। जय बजरंगबली। अरे गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भववत, इतनी गंभीर मुद्रा में किधर को कूच कर रहे हो वत? क्या बताया गुरुजी, नो इमोशन ओनली जस्टिस। वो 24 है ना, उससे हमको पैसा वसूल करना है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। वत, जिस तरह तुमने अपने ब्रह्मचर्य से काम पर विजय पाई है ना, उसी तरह मेरा आशीर्वाद है कि तुम उस 24 पर भी विजय पाओगे। चलो ठीक है, 24 हम आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं साले को। भोला समझता है, भाला ना मार दिया तो। अरे राजा भैया कहाँ जा रहे हो ना लोके? अरे आज तो अनोर भाई हम 24 से पैसा वसूल करके रहेंगे। तो जाइए फिर, हमारा कोई आइडिया चाहिए तो बता दीजिए ना लोके। अरे कोई आइडिया है, नो इमोशन ओनली जस्टिस। ठीक है तो हम भी अब्बू को नमाज पढ़ा के आते हैं ना लोके। अरे तभी तो हमने तुमसे दोस्ती की है कि तुम अपने अब्बू का इतना ख्याल रखते हो। आधा वर्ष जीते रहो। अच्छा हम आते हैं, गुड लक भैया। अरे साला छोड़ेंगे इसको बदमाश। है चौची। अरे भैया प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। आज हमको 24 से पैसा वसूलना है। आज का दिन हमारा ज्योतिष क्या है देख के बताओ। दांत दिखाइए। ही दांत क्या है? बहुत अच्छा मुहूर्त है, निकल जाइए, मिल जाएगा पैसा भैया। ये लोग हाथ देखकर बोलते हैं, तुम दांत देखकर हमारा भविष्य ढूंढ रहे हो? आजकल दांत ही देख रहा हूँ भैया। आजकल? हाँ। फेंक रहा था। ए, यहाँ आ। हाँ राजा भैया। इसको पकड़ बेटा, इसको पकड़ ले बेटा। हाँ देखने जाने ना पाया, बोल रहा दांत देकर भविष्य बता रहा है। हाँ। अगर नहीं मिला ना हमको पैसा तो इसके दांत तोड़ देंगे। बात बढ़िया। अरे हम चले गए बोलो भैया। हाँ पहले मेरी दाढ़ी तो बना दो। अरे उसका हजामत है, साबुन लगा दिया, हजामत बना देता हूँ। लेकिन राजा भैया, अरे पैसा लेकर ही लौटना इस बार। अरे पैसा नहीं मिला तो इसके दांत तो है। ये तो है, पकड़ के रख रहे। मुखिया जी की जय हो। जय हो बेटा, जय हो। हम जा रहे हैं 24 से पैसा वसूल करने। छोड़ना नहीं उसे। अरे छोड़ना क्या, हमने तो सोच लिया है कि आज से नो इमोशन ओनली जस्टिस। अरे नाक है कि ट्रक का फटा हुआ साइलेंसर। अरे दीदी आपने भी इस कुंभकर्ण के साथ इतने साल कैसे गुजार दिए? मत मारी गई थी मेरी। 24 हम आ चुके हैं। ए 24! अरे बाप रे, ये राजा आज आग का गोला कैसे बन गया? अरे जीजा जी उठो उठो, जीजा जी राजा आ गया, राजा आ गया। अरे बाप रे, बच्चों इधर आओ, रोना शुरू करो, रोना शुरू। अबे अबे ये तो लटका हुआ है। ए ए क्या कर रहे हो? ए चुप चुप, क्या कर रहे हो भाई? मैं आत्महत्या कर रहा हूँ राजा भैया, मेरे गंदे खून से आपके हाथ खराब ना हो जाए इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नीयत में खोट नहीं है राजा भैया। 24 जी आप ये सब कांड क्यों कर रहे हैं? अरे क्या बताएं राजा भैया, आपने पैसे दिए, मैंने मुर्गी खरीदी, मंडी में बेची, लेकिन वो साला व्यापारी पैसे लेकर भाग गया। लेकिन वो तो बड़े चुप बोलते तो चुप नहीं हो सकता। हाँ व्यापारी पैसा लेकर भाग गया, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने गहने लिए बीवी के और वो गिरवी रखे। लेकिन दीदी के जेवर पर वो तो चुप है। भाभी जी के जेवर गिरवी हो गए और तुम पापा पुर 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 क्यों कर रहे हो? फिर क्या हुआ? मैं आप ही के पास पैसे लेकर आ रहा था, अबे तो डाकुओं ने लूट लिए। डाकू? लेकिन ये सब अरे चुप यार। व्यापारी पैसा लेकर भाग गए, भाभी जी के जेवर गिरवी हो गए, डाकू ने पैसा लूट लिया है, ट्रेजेडी पर ट्रेजेडी हो गई और तू बीच में बोल रहा है। फिर क्या हुआ? अब मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है, मेरी बैल जोड़ी मर चुकी है, मेरे बापू को कैंसर हो गया है, मेरी बीवी को लकवा मारा है। लेकिन दीदी को कहाँ भैया? और मेरी बेटी जो ससुराल में थी, ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं, दहेज दो वरना जलाकर मार देंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मरना है, नहीं तो मैं टेररिस्ट बन जाऊंगा, मैं किसी की हत्या कर दूंगा। नहीं भैया सीधे खड़े रहो और एक काम करो, ये पैसा रख लो यार, 500 रुपए रख लो, जान है तो जान है वरना सब कुछ। लेकिन मैंने तो अब कुछ बोला ही नहीं। हमको पता था तुम कुछ बोलोगे इसलिए एडवांस में दे दिया। अच्छा अच्छा भैया चलते हैं, अपना ख्याल रखो। और ये सब मत करना यार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं यार। राजा भैया बहुत महान है। पैसे ले, मुर्गे ला और पका।